देख सकते हैं मेरे पीछे यही रास्ता है वहां जाने के लिए एकमात्र। और यह आप सुंदरता देखिए इसकी, इस जगह की, बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव है और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो जो है ये भी चार धाम के अंदर में आती है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें अपन आज गंगोत्री और यमुनोत्री जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद में जो यहाँ के नरनारायण पर्वत और भी बहुत कुछ है तो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ। तभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये आदि बद्रीनाथ जी से आगे की साइड में जब जाता है ये गंगोत्री यमुनोत्री और देव सरोवर के लिए रास्ता, तो ये वही रास्ता है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आके फिर ये इस तरह का रास्ता आता है जहाँ पे दोनों साइड में पहाड़ हैं और कच्चा रास्ता है। और आपको बता दूँ कि ये जब बारिश होती है तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप आएंगे तो अलग ही, मतलब यहाँ पे वो अलग ही एहसास होगा आपको इस चीज़, इस जगह का। तो आप आएँ एक बार तो ज़रूर यहाँ पर देखने आएँ, इसको घूमने आएँ, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर शांत वातावरण मिलेगा, बिल्कुल एकांत है ये। तो जो ये रास्ता है जो यहीं पे आके ख़त्म होता है लास्ट में, तो बने रहें आप हमारे साथ और आपको दिखाते हैं हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आके एक ऐसा खुली जगह आती है तो इसके ऊपर होके यहाँ पे जा रहा है रास्ता और राइट साइड में से जा रहा है देव सरोवर के लिए। तो अपन को ऊपर की साइड में जाना है, एक देव सरोवर के लिए रास्ता, वहाँ से भी मंदिर के पीछे होके भी जाता है। तो आप जाके मतलब ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों हम इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी बारिशों में हम एक बार फिर आएंगे यहाँ पे तो देव सरोवर जाएंगे। तो ये वीडियो खाली गंगोत्री यमुनोत्री जी की है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं पीछे पहाड़ों में जो भी देव। तो हमने अपनी बाइक नीचे खड़ी कर दी और हम आए ऊपर। तो ऊपर जैसे ही आए तो हमें यहाँ पे सबसे पहले गौ माता और गौशाला के दर्शन हुए, उसके बाद में राइट साइड में जो शिव भगवान का मंदिर है तो आपको कराते हैं दर्शन शिव भगवान के। और देख सकते हैं आप, ये है लक्ष्मण झूला जो जिसमें लक्ष्मण जी का मंदिर है, और इसी के पीछे है गंगोत्री और यमुनोत्री जी और जो नरनारायण पर्वत हैं आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं जो मेन जो यहाँ का व्यू है वो ये है, आप सामने देख रहे हैं जो गणेश पर्वत है, ये है नर, और इसी के जस्ट सामने है नारायण पर्वत, और बीच में आप जो ये व्हाइट पट्टी देख रहे हैं ये गणेश जी की सूंड बताते हैं इसको कई लोग, और लेफ्ट राइट में जो खाली जगह यही गंगोत्री यमुनोत्री जी बताते हैं। और यहाँ पे जो गंगोत्री यमुनोत्री का जो मंदिर है इसके पीछे एक शिला थी, तो उसी पर क्या है कि लक्ष्मण जी ने शायद तपस्या की थी यहाँ पे। ये मंदिर है गंगोत्री और यमुनोत्री जी का, तो आपको दर्शन कराते हैं। और ये आप पत्थर देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के, ये बचपन के पैरों के निशान थे। तो दोस्तों अभी आपने किए थे गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी के दर्शन, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नरनारायण पर्वत, और जो आप मेरे पीछे डिजाइन देख रहे हैं ये है जो वाइट वाइट पत्थर की दिख रही है, यही गंगोत्री और यमुनोत्री है कहा जाता है। आमने सामने जो पर्वत दिख रहे हैं आपको यही नरनारायण पर्वत है, और ये मेरे पीछे है गंगोत्री और यमुनोत्री जी का मंदिर, अंदर है शिव जी का, और लक्ष्मण झूला भी अभी आपको देखा दिखाई दिया वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियोस लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग। और यही वो स्थान है जहाँ पर लगभग चार युगों तक श्री आदि बद्रीनाथ जी ने तपस्या की थी। देख सकते हैं मेरे पीछे यही रास्ता है वहां जाने के लिए एकमात्र। और यह आप सुंदरता देखिए इसकी, इस जगह की, बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव है और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। देख सकते हो अभी आप जंगल, बहुत ही जो ये जगह है दोनों साइड से पहाड़ों से घिरी हुई है, बहुत अच्छा, ये वन टाइप में पूरा जंगल है एक तरह से। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, चला चल वो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें,
और आप हमारे साथ बने रहें अगले ब्लॉग के लिए, और हम इसी प्रकार की आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको अगर इससे पहले 3 ब्लॉग और हैं जो आदि बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के नाम से हमारी पुरानी वीडियो पड़ी हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं।